जो मिस्टर इंडियन आइडल का टीममेट है विजेंदर, उन्होंने अभी नया चैनल बनाया। और एक वो है कि यार मेरे से आगे निकल जाएगा, ब्लॉग बनाएगा तो पता नहीं क्या कहाँ चल जाएगा वो, ये टीम्स निकाल दो, चैनल डिलीट करवा दो। फिर एक तरफ दिलराज भाई है और एक तरफ हमारी वो भाई है, जो आप लोग समझ गए होंगे। आज वाले वीडियो में ना एक सीरियस मैटर में आप लोगों को बात करने वाला हूँ, तो आप लोग जी क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज वाला ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा ही होने वाला है, क्योंकि मैं हूँ अभी अपने घर पे, मतलब घर पे मुंबई के अंदर ही हूँ, और आज का कोई शूट नहीं है, तो आज कहीं पर भी नहीं गया मैं। और कल का शूट है कपिल शर्मा का, पूरा वीडियो देखना। फिलहाल तो मैं घर पे हूँ, देखो यार घर दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को। यहाँ पर मैं रह रहा हूँ फिलहाल मुंबई के अंदर। यार मुंबई के अंदर फ्लैट वगैरह मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट मैं यहाँ पर रह रहा हूँ फिलहाल। और ये वाला घर है, ये है मेरे जीजा जी का, एंड जीजा जी की फैमिली रहती है अभी राजस्थान में, एंड मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। एंड बेसिकली गाइस मैं मलाड में रहता था, बट यहाँ पर आया हुआ हूँ कुछ दिन के लिए। और भाई अभी सीन क्या हो गया, यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया। पानी ख़त्म होने की वजह से मैं नहा भी नहीं पा रहा आज। पानी आएगा रात के 9 बजे तक, और 9 बजे तक मेरे को वेट करना पड़ेगा नहाने के लिए। एंड यार यहाँ पर है ना बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती। आप लोग राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, या बहुत कई जगह से लोग देख रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। तो भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बाकी स्टेट में सर्दी होती है, बट मुंबई के अंदर, गोवा के अंदर, जो यहाँ के साउथ के या वेस्टर्न के जो भी इलाके हैं ना, यहाँ पर बहुत कम सर्दी होती है। तो कमेंट करके बताना भाई आपकी इलाका कौन सा है, आपका शहर कौन सा है, एंड वहाँ पर सर्दी कितनी है। यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एंड अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो यार मैं टी शर्ट में हूँ, यहाँ पर टी शर्ट में रहता हूँ, बाहर जाता हूँ तब भी टी शर्ट में रहता हूँ, एंड यहाँ पर मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है, फैन चला के सोना पड़ता है रात को। बाहर की बात करें ना, तो बाहर का सीन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा क्या हो रखा है। फिलहाल तो जिया जी ने कुछ गेहूँ डाल रखे थे यहाँ पर चुपक सुखाने के लिए, फिर बिल्कुल साफ हो गए होंगे। एंड यार इधर देखो बालकनी से अपन लोग देख सकते हैं, बाहर ब्लर हो रहा है सब कुछ यार, पता नहीं कैसे हो रहा है ब्लर। भाई बाहर का सीन कुछ है ऐसा आ रहा है, अरे कैप्चर कर ले, हाँ कैप्चर कर लिया। तो ये सामने एक बिल्डिंग है एंड उधर रोड है देखो। और यार मुंबई का इलाका देख सकते हो, ये वाला इलाका ना बहुत सही लगता है मेरे को, नाला सोपारा का इलाका, क्योंकि यहाँ पर रस बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं रहती। और यहाँ पर हमारे सूरज अंकल जी बहुत ऊपर आ चुके हैं, मतलब काफ़ी ऊपर। इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बाहर से ना बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है, बहुत ज़्यादा नॉइस वगैरह भी आ रही है, तो इसको बंद कर देता हूँ। एंड अब ये वाला व्लॉग है ना, मैं 3 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, और 3 बजे से सुबह से लेकर 3 बजे तक मैं अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। तो खाने के लिए क्या बनाना है यार, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर, कोई भी नहीं है मेरे पास, अकेला रह रहा हूँ फिलहाल। तो मैं जाता हूँ यहाँ से लेके आता हूँ मैगी वगैरह, और मैगी बना के खाते हैं। यार देखो जब अकेले हो और कुछ खाने के लिए नहीं हो ना, तो सबसे ज़्यादा साथी होता है अपना मैगी, तो मैगी लेके वो बना के फिर खाते हैं। तो सबसे पहले चलना पड़ेगा मेरे को शॉप पर, और शॉप पर मैगी लेके आते हैं पहले, नीचे चल के कुछ लेके आते हैं। चलो ना मेरे को रूम को लॉक करना पड़ेगा चाबी से। चलो ये भी 6 फ्लोर पे है, और अभी मैं 7 फ्लोर पे हूँ, तो जल्दी आ जाएगी। आजा आजा जल्दी आ गई। तो मेरे को जाना है ग्राउंड फ्लोर पे, फैन ऑफ कर देता हूँ क्योंकि नॉइस आएगी उसकी वजह से ऑफ। यार देखो बेसिकली क्या होता है मेरे को ना, यहाँ पर लिफ्ट में ट्रेवल करना बिल्कुल ही ख़राब लगता है। जब से मैंने वो न्यूज़ सुनी है जयपुर वाली, तब से मैं लिफ्ट में बहुत कम ट्रेवल करता हूँ भाई, पता नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ पर देखो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये लिख कहाँ है ये लिखे, ये नंबर लिखे हैं, बट यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। बंदा फंस जाए तो कॉल कैसे करे यार, ये चीज़ तो लोगों ने सोचा नहीं कभी कि देखो नंबर लिख दिया, बट ये नहीं सोचा कि नेटवर्क भी नहीं आते इसके अंदर। नीचे पूछ गया, इसलिए बाहर तो ना काफ़ी धूप हो रखी है बहुत ज़्यादा। फिलहाल इधर जाके है ना शॉप है, और ये है ना पता है ये हॉस्पिटल बन रही है ये नई वाली, और उस हॉस्पिटल के पास मैं फिलहाल रह रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ से एक शॉप है, यहाँ से मैगी खरीदते हैं। चलो भाई मैगी देना, जीपी वाली देना, जीपी वाली कल वाली, हाँ जीपी की, हाँ दो। मैं जीपी वाली मैगी लेके आया हूँ, जीपी या जीपी वाली लेके आया हूँ, कौन सी है ये मेरे को पड़ी है 20 रुपये की, 2 पैकेट है, दो पैकेट बनाते हैं। चल के अब एक पे चली गई है, जल्दी आ जा। और यहाँ पर देखो पूरी बिल्डिंग है ना, सारे जितने भी लाइट के मीटर ना वो कंट्रोल होते हैं यहाँ पर। और यार ये तो ऊपर ही जा रही है, पता नहीं कब आएगी, जल्दी आएगी फिर चलते हैं। सीरियसली इस लिफ्ट के अंदर ना
अपने डॉग को लेकर ट्रेवल कर रहा था भाई साहब, डर लग रहा था मेरे को, मेरे साथ था। लेके आ गया हूँ मैं मैगी एंड अब इसको बना लेते हैं। और यार पानी देखो, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा फिलहाल, देखो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। आज ख़त्म हो गया सारा पानी, इसके अंदर पानी होगा, इससे पानी काम चल जाएगा। बाकी बर्तन धुले हुए हैं और इसमें भी शायद होगा पानी, तो नहीं है कोई नहीं, इस वाले पानी से काम चला लेते हैं। अब बना लेते हैं अपन मैगी एंड सब लोग देख रहे हैं यार मैं कैसे रहता हूँ। यार देखो अकेला रहना आसान नहीं होता यार कहीं, हम लोग मैं राजस्थान का हूँ एंड मुंबई में रह रहा हूँ फिलहाल, अकेला कोई नहीं है मेरे पास पास एंड यार अकेला रहना सीरियसली बता रहा हूँ इतना अकेलापन फील करवा देता है बहुत ही ज़्यादा। बट मैं ना हमेशा अपने काम में फोकस करता हूँ, जैसे कि लाइक यूट्यूब के बारे में मैं नॉलेज लेने लग जाता हूँ एंड आइडिया सोचने लग जाता हूँ क्या करना है आगे जाके, क्या नहीं करना, सब कुछ डिमोटिवेट भी होता हूँ बट खुद से ही मोटिवेट हो जाता हूँ। एंड यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंड कर भी रहा हूँ, बट कोई बात नहीं होता है ऐसा, तो घर से दूर रहना पड़ता है। और कहते हैं ना कि हमको अपना घर बनाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, लड़के की ज़िंदगी आसान नहीं होती, तो ऐसा ही कुछ सीन मेरे साथ भी चल रहा है, तो कोई बात नहीं करते हैं कुछ। एंड यार कल वाला सीन रहेगा जो कल हम लोग जाएंगे फिल्म सिटी के अंदर, कपिल शर्मा का शो है एंड मैं आप लोगों को वीडियो क्लास में बता दूंगा कि आप लोग कपिल शर्मा के शो के अंदर कैसे जा सकते हैं फ्री में, तो फ्री में तो सब लोग जाना चाहोगे, तो मैं बता दूंगा लास्ट में आप लोगों को। एंड फिलहाल मैगी बना लेते हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, फिर खाते हैं फिर बात करते हैं अपन। गाइस यार बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ ये ना, चलो नहीं हो रहा यार, भाई साहब कितनी देर बाद चल लो होगा ये, अरे हो जा गुरु जी, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, गैस निकल जाएगी तब तक सारी। एक माचिस खोल लेकर आनी चाहिए थी यार मेरे को नीचे जाके, अब मेरे को माचिस ढूंढनी पड़ेगी। चलो कहाँ 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 ढूंढे यार, पूरे घर में कहाँ मिलेगी माचिस, हाँ माता के आले मिलेगी, माता के मंदिर मिल जाएगी, भगवान के मंदिर में फिलहाल मिल गई। चलो इस गैस चल चुका है, अब इसके ऊपर रखता हूँ मैं ये कढ़ाई, पानी है थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। यार फूड ब्लॉगिंग हो गई आज वाली, तो ना फूड ब्लॉग जैसे बन रहा है आज वाला ब्लॉग। चलो इसके अंदर पानी डाल देता हूँ मैं ना, नॉर्मल मैगी बनाता हूँ तो थोड़ा आप लोग कंफर्टेबल होता ना, क्योंकि मैं नॉर्मली मैगी खाता हूँ, मसाले वाली ज़्यादा नहीं खाता हूँ, तो फिलहाल बना लेते हैं मैगी, आप लोग टाइम लैप देखो। ये एंड खा लूँगा भाई, भूख लगी है यार सीरियसली गाइस बता रहा हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि 4 बजने वाले हैं और शायद बज भी गए होंगे। फिलहाल मैगी बन के तैयार हो गई है एंड यार जैसे ही बनी है ना, मेरी खुद की मेहनत ही बनी है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, आप लोगों को लगे या ना लगे बट मांगना कोई नहीं खाने के लिए। अब जाता हूँ पहले खा लेता हूँ फिर बात करते हैं अपन लोग। भाई यार फिलहाल है ना ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं एंड ना अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और यहाँ पर इवनिंग में भी बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती, तो भाई फिलहाल अपन कर लेते हैं एक सीरियस मैटर में बात, तो आप लोग है ना ध्यान से सुनना ये बात। देखिए यार मैं यूट्यूब पर ना 2-3 दिन से न्यूज़ चैनल वालों की वीडियो देख रहा था और उन वीडियो में मैंने देखा जो मिस्टर इंडियन एंकर का टीममेट है विजेंदर, उन्होंने अभी नया चैनल बनाया, 3-4 वीडियो अपलोड किया है, मैं उनकी वीडियो डेली वीडियो देखता हूँ, जितनी वीडियो आती है ना सुबह मैं देख लेता हूँ उनकी वीडियो, और उनके ब्लॉग भी बहुत अच्छे होते हैं एंड विजेंद्र भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने ब्लॉग चैनल बनाया एंड बहुत अच्छा कंटेंट भी लेके आ रहे हैं। तो उनका चैनल का नाम है वीरेंद्र सिंह, ठीक है, जो कि मिस्टर इंडिया के टीममेट है। भाई फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ न्यूज़ चैनल वालों की, ठीक है, न्यूज़ चैनल वाले गलत थंबनेल लगा रहे हैं, अलग अलग थंबनेल लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो विजेंद्र है उनको अपनी टीम से निकाल दिए, विजेंद्र भाई को टीम से मिस्टर इंडिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विजेंद्र भाई है ना वो जो दिलदार भाई है उनके एडिटर हैं, जो उनकी वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है, और वही उनकी प्रोफेशनल वीडियो एडिट करते हैं वहाँ पर। एंड से बता रहे यार वो उनका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, बात भी किया हूँ बहुत ज़्यादा एंड बात करता रहता हूँ, हमारी बात होती रहती है कॉल या मैसेज में। एंड यार गाइस एक बात बताता हूँ हम लोगों को, अब है ना मिस्टर लेकर एंड जो वीरेंद्र सिंह है जिन्होंने अपना चैनल बनाया है, एंड पता है यार एक बात नोटिस करने वाली है यहाँ पर, जो वीरेंद्र सिंह है ना, जो दिलराज भाई है और वीरेंद्र सिंह है ना,
उनकी पूरी टीम है ना, दिलराज भाई की पूरी टीम वीरेंद्र सिंह को सपोर्ट कर रही है। अब आप लोग खुद देख सकते हो कि उस उन मतलब कि उनकी टीम देखो यार कितनी ज़्यादा अच्छी है कि उनको सपोर्ट कर रही है, दिलराज भाई कितने ज़्यादा अच्छे हैं कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि ये कि आप टीम से निकल जाओ, तुम चैनल मत बनाओ, तुम्हारा चैनल डिलीट करो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और यार यार ये चीज़ देख के ना मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आप लोग देख सकते हो एक तरफ दिलराज भाई है और एक तरफ हमारी वो भाई है जो आप लोग समझ गए होंगे, नाम बताने जरूरत है नहीं। ब्लॉग चैनल बनाओ, भग जाओ यहाँ से, टीम से निकल जाओ या डिलीट कर दो। एंड यहाँ पर दिलराज भाई का सीन देख लो कितना ज़्यादा सही था, दिलराज भाई ने कुछ भी नहीं कहा एंड उनको सपोर्ट भी किया और वो अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। आई होप कि उनके जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए वीरेंद्र भाई के। एंड यार गाइज आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर कैसा रिजल्ट आ रहा है। एंड जिनका नेचर अच्छा होता है ना, जिनके मन में है ना बिल्कुल भी घमंड नहीं होता एंड बिल्कुल भी लालच नहीं होता, वही इंसान ऐसे होते हैं जैसे दिलराज भाई हैं। और एक वो है कि यार मेरे से आगे निकल जाएगा, ब्लॉग बनाएगा तो पता नहीं क्या कहाँ चल जाएगा, वो ये टीम्स निकाल दो, चैनल डिलीट करवा दो। मैं यार उन बातों को याद नहीं करना चाहता बट याद आ जाती है क्योंकि यार बहुत दिन हो चुके हैं, लगभग 1-1.5 साल तो हो गई लगभग। एंड फिर भी थोड़ा हो जाता है ना, थोड़ा याद आ जाती है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था उस टाइम कि हम भी किसी टीम मेंबर थे, वो भी एंड सपोर्ट करने की जगह भगा दिया वहाँ से या निकाल दिया वहाँ से। तो पर चलो कोई बात नहीं, हम अपने अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं और बहुत आगे तक जाएंगे। क्या आप लोग देख रहे होंगे मैंने अपनी मेहनत से ना फिल्म सिटी में तक एंट्री की है एंड अभी हम लोगों को एक मूवी मिल रही है, सनकारा मूवी है एंड उसका शूटिंग चालू हो चुका है, तो उसमें मे भी जल्दी ही रोल मिल जाएगा। और आप लोगों की दुआ यार, आप लोग साथ हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई इसी के साथ चलो सही है। और लास्ट में मैंने बताया भी था कि कपिल शर्मा शो में कैसे जाते हो, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे जा सकते हो। मुंबई से जो भी है ना तो उनको तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि वो यहाँ से गोरेगांव जाके जा सकते हैं, तो उसका कुछ प्रोसेस रहता है जो आप लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दूँगा। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर मैसेज करोगे तो मैं आप लोगों का कपिल शर्मा में जाने का रजिस्ट्रेशन करवा दूँगा फ्री में, तो आप लोग जा सकते हो। एंड बाहर से जो भी रहते हैं जो मुंबई आएंगे कभी या जाना चाहते हैं, मुंबई से पर्सनली आते हैं यहाँ पर, उनका मैं रजिस्ट्रेशन करवा दूँगा, तो आप लोग भी मेरे पास इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो एंड आप लोग भी कपिल शर्मा शो में जा सकते हो। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आज का व्लॉग यही था क्योंकि यार आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, कल का शो है मेरा कपिल शर्मा का और आज तैयारी करनी है कुछ एंड घर पे था, अकेला ही था तो मैं सोचा थोड़ा सा बात कर लूँ। एंड यार 7 बजे आज मैं लाइव भी आने वाला हूँ यूट्यूब पे, जो आ चुका होगा आप लोगों ने देख लिया होगा लाइव। एंड मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और सपोर्ट बनाए रखना हमेशा, आप लोगों का प्यार है यार, आप लोग ही तो जो हो मेरे पास, इसके अलावा कौन है, पूरे घर में कौन है, कोई भी नहीं है, खाली हूँ, अकेला हूँ, बट आप लोग मेरे साथ हो। तो भाई इसी के साथ मैं आप लोगों को विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। कल आएगा फिल्म सिटी का ब्लॉग जो कि कौन सा बनाऊँ आप लोग कमेंट कर देना और उसी सीरियल का मैं आप लोगों को बना के दिखा दूँगा। तो बाय बाय, टेक केयर।